रिन्यू करो। ये चैनल मैंने आज से ऑलमोस्ट एक मंथ पहले ओपन किया था एंड गेस व्हाट, जहाँ यूट्यूब के 99% क्रिएटर्स की फर्स्ट वीडियो पर 100 व्यूज तक नहीं आ पाते, जस्ट उसका उल्टा। मैंने अपने चैनल की फर्स्ट वीडियो से 150 प्लस सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे एंड देन सेकंड वीडियो पर 15K प्लस व्यूज और थर्ड वीडियो पर तो 30K प्लस व्यूज आ चुके हैं। और आज भी इन सभी वीडियोस पे डेली के 100-200 व्यूज आ रहे हैं। और अपने चैनल की फर्स्ट 3 वीडियो से मैंने अपने चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लिए थे। नाउ ये सुनने और देखने के बाद तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा, आखिर ये मैंने कैसे किया, कैसे YouTube एल्गोरिथम को मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो के लिए राइट ऑडियंस मिली एंड कैसे मैंने इतनी जल्दी से अपने चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लिए एंड हाउ माय चैनल फर्स्ट वीडियो गेटिंग ऑलमोस्ट 50K प्लस इंप्रेशंस। सो ये कहानी स्टार्ट होती है 24 दिसंबर 2023 से, जब मैंने ये चैनल क्रिएट किया था एंड उसके नेक्स्ट डे 25 दिसंबर को मैंने अपने चैनल की फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी थी। वीडियो मैंने पहले से ही बना के रखी हुई थी, ये मत समझना एक दिन में बना के अपलोड कर दी। Here's our secret number one, audience mind. Now, जब मैंने ये चैनल बनाया था तब 2024 आने वाला था एंड बिकॉज न्यू ईयर आ रहा था सो हर बंदा न्यू ईयर पे कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है और इस टाइम पे YouTube सबकी फर्स्ट प्रेफर होती है। ऐसे में ऑडियंस के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लाइक हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल इन 2024, ओल्ड चैनल वर्सेस न्यू चैनल एंड राइट वे टू क्रिएट अ न्यू चैनल एक्सेट्रा। देन मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया एंड आई शेयर माय ओपिनियन। ऑल्सो मैंने कुछ टिप्स भी शेयर किए थे जो बिगनर्स को पता होना चाहिए और उससे ऑडियंस का ट्रस्ट भी बिल्ड हुआ। बट मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो से 150 प्लस सब्सक्राइबर्स कैसे आए ये तुम्हें वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। ओह, हमें वीडियो के एंड तक रोकना चाहता है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। Here's our secret number two, targeting audience. Decoding YT step grow if Zan breaks. और भी कुछ क्रिएटर जो YouTube पे बहुत जल्दी ग्रो हुए थे और ऑलमोस्ट हर न्यू क्रिएटर इन्हीं क्रिएटर्स के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहा था इनके मास्टरमाइंड से रिलेटेड एंड इस पर इतने वीडियोस बन चुके थे पर्सनली मैं भी देख देख कर परेशान हो चुका था। और अगर मैं भी किसी पर्टिकुलर क्रिएटर के ऊपर वीडियो बनाता सो ये वीडियो टोटली फ्लॉप होती। बट मैंने किसी पर्टिकुलर क्रिएटर की ऑडियंस को टारगेट ना करके एक ह्यूज ऑडियंस को टारगेट किया एंड दैट्स व्हाई आई गॉट 15K प्लस व्यूज ऑन माय सेकंड वीडियो। नाउ बात थी अपने चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो 13K प्लस व्यूज। हियर्स आवर सीक्रेट नंबर 3, यूनिकनेस। आप सभी ने YouTube पे 30 डेज 30 शॉर्ट चैलेंज ये वीडियोस काफी देखी होंगी। ऑल्सो इस टॉपिक पर व्यूज भी आ रहे थे सो ये एक अच्छा टॉपिक था उस टाइम पे वीडियो बनाने के लिए एंड इस टॉपिक पे क्रिएटर ने वीडियो बनाई भी जिनमें से मैक्सिमम क्रिएटर्स मूवी रिव्यू, पॉडकास्ट, फैक्ट्स इन कैटेगरीज में चैलेंजेस कर रहे थे। और अगर मैं भी इन्हीं में से किसी एक कैटेगरी को चूज करके चैलेंज करता तो व्यूज आने के चांसेस 50-50 हो जाते एंड दैट्स व्हाई आई चूज गेमिंग, बिकॉज गेमिंग में मेरा एक तो इंटरेस्ट भी था एंड उस टाइम पे मैं एक गेमिंग चैनल पे काम भी कर रहा था अपने एंड उस टाइम पे गेमिंग कैटेगरी में ये चैलेंज शायद ही किसी ने किया था। तुम इसको कुछ इस टाइप से समझ सकते हो कि जहाँ सारे क्रिएटर कुछ कैटेगरीज को चूज करके ये चैलेंज कर रहे थे, मैंने उन सभी क्रिएटर से अलग गेमिंग कैटेगरी को चूज किया जिसमें ऑडियंस बेस बहुत ज्यादा है एंड ऑल्सो ऑडियंस में क्यूरियोसिटी भी होती है कि क्या ये गेमिंग चैनल को 30 डेज में ग्रो कर सकते हैं। सो ऑडियंस को मेरे चैनल पे एक यूनिक कंटेंट मिला एंड दैट्स व्हाई इस वीडियो पर 30K प्लस व्यूज आ चुके थे और आज भी इस वीडियो पर डेली के 100-200 व्यूज आ रहे हैं। सीक्रेट नंबर 4, वैल्यूएबल कंटेंट। मैंने अपने चैनल की फर्स्ट 3 वीडियो से ही अपने चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कर लिए थे। नाउ हर क्रिएटर के लिए ऑडियंस का एक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है बिकॉज वैल्यूएबल कंटेंट ही आपके चैनल को जीरो से हीरो बना सकता है एंड वैल्यूएबल कंटेंट से तुम्हारे चैनल के लिए एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड होती है। ऑल्सो ऑडियंस तुम्हारे वीडियोस को देखने के लिए एक्साइटेड भी होती है एंड सेम मैंने भी किया बिकॉज मेरे पास जो ऑडियंस थी वो सभी YouTube पे न्यू क्रिएटर्स थे जिनको YouTube के बारे में नॉलेज चाहिए ताकि वो अपने चैनल को फास्टली ग्रो कर सकें। सो मैंने अपनी वीडियोस में अपना YouTube का 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया जिससे मेरे चैनल के लिए मैंने लॉयल ऑडियंस बिल्ड की जो मेरी वीडियोस को लाइक करती है और शेयर भी करती है। आई नो तुम भी उन्हीं में से एक हो, इसलिए अपनी ऑडियंस का जितना तुम ट्रस्ट देतोगे उतनी ही तुम्हारे चैनल के लिए लॉयल ऑडियंस बिल्ड होगी। नाउ अपना लास्ट सीक्रेट, रिलेटेबल कंटेंट। ये पॉइंट तुमने बड़े क्रिएटर से सुना होगा, आई डोंट नो उन्होंने इसको कैसे प्रोनाउंस किया बट मेरे हिसाब से इसे रिलेटेबल कंटेंट ही बोलेंगे बिकॉज इसमें आपको अपने चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करना होता है और इस प्रोसेस को मिस्टर बीस्ट, एल्गोरो जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स भी फॉलो करते हैं ताकि तुम्हारी ऑडियंस तुमसे कनेक्ट रहे प्लस तुम्हारे चैनल को बूस्ट मिलता रहे। अगर तुम मिस्टर बीस्ट को देखोगे सो उनकी कुछ सीरीज है जो ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आती है। फॉर एग्जाम्पल उनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो में $1 vs $5 lakh प्लेन टिकट उनकी थर्ड वीडियो है जिस पर 10 महीने में टोटल 338 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और इससे मिस्टर बीस्ट को आइडिया है कि ऑडियंस ऐसे वीडियोस देखना बहुत पसंद करती है एंड दैट्स व्हाई उन्होंने इस टॉपिक से रिलेटेड अपने चैनल पर और भी वीडियोस अपलोड करी हैं जिनका रिजल्ट तुम्हारे सामने आ ही रखा है।
प्लेटफॉर्म पर अच्छे खासे व्यूज हैं। ऑल्सो एल्गोरिथम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अगर तुम उनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस को देखोगे देन हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, न्यू चैनल ग्रो कैसे करें, हाउ टू गेट फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स, हाउ टू ग्रो न्यू चैनल, हाउ टू ग्रो योर डेड चैनल, ऐसी मोस्ट पॉपुलर वीडियो मिलेंगी जिनका मेन फोकस एक चैनल को ग्रो करने पर है। एंड ये सारी वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है, सो होप तुम समझ गए होंगे। ऑल्सो चैनल पर इतनी जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना, इतनी जल्दी से व्यूज आ जाना, इन सभी के मेन reasons वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग etc है, लेकिन इनको एक वीडियो में डिस्कस कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। सो अगर तुम चाहते हो कि इन पर एक डेडिकेटेड वीडियो आए देन कमेंट में कमेंट करो सिंपली से परफेक्ट वीडियो, देन इस पर वीडियो आ जाएगी। नाउ लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करो और जानो अपने चैनल को ग्रो करने के कुछ सीक्रेट्स। और राइट वीडियो में मैंने अपने चैनल पर 30 डे एक्सपेरिमेंट किया है, उसका रिजल्ट देखना है तो उस पर क्लिक करो और आओ आगे की बातचीत उन्हीं वीडियोज में करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।